भारतीय क्रिकेट टीम ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को बुरी तरह रौंद दिया है। घातक गेंदबाजी और दमदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने बांग्लादेश को दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराया है। भारत ने कानपुर में शानदार जीत के साथ 2 मैचों की इस सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश का सूपड़ा साफ किया है। हर खिलाड़ी ने सीरीज में उत्कृष्ट योगदान दिया है। लंबे अरसे बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन वापसी की। पंत ने चेन्नई में पहले टेस्ट में जबरदस्त शतक जड़ा था और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। सीरीज जीत के बाद पंत काफी खुश हैं, लेकिन उनकी तथाकथित एक्स गर्लफ्रेंड उर्वशी रौतेला इस वक्त ट्रोल हो रही हैं। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक पाकिस्तानी क्रिकेटर पर बयान देकर बुरी तरह फंस गई हैं। उन्हें उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। उर्वशी ने ऐसा बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सानिया मिर्जा 2 कहने लगे हैं। दरअसल उर्वशी इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, जहां अबू धाबी में कुछ दिन पहले भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शनों में से एक आईफा यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड का आयोजन हुआ। तमाम दिग्गज बॉलीवुड अभिनेताओं और अभिनेत्रियों समेत उर्वशी रौतेला ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक वीडियो में वो पाकिस्तानी खिलाड़ी पर बयान देती नजर आ रही हैं और इसी बयान को लेकर वो ट्रोल हो रही हैं। दरअसल उर्वशी रौतेला से पूछा गया कि उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, जिसके जवाब में उन्हें पाकिस्तान के युवा स्टार तेज गेंदबाज नसीम शाह का नाम लिया। उर्वशी ने कहा, नसीम अच्छे खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, उर्वशी ने पाकिस्तान को भी एक अच्छी टीम कहा, जबकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में जमकर फजीहत हो रही है। लगातार शर्मनाक हार के कारण पाकिस्तान हंसी का पात्र बन गया है और उर्वशी अपने इस बयान से भारतीय फैंस के निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो उर्वशी को सानिया मिर्जा 2 तक कह दिया। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा तलाक के बाद से ही सुर्खियों में हैं। 2024 की शुरुआत में पूर्व भारतीय टेनिस स्टार का पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक हो गया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने एक्ट्रेस सना जावेद से शादी कर ली थी। तलाक के बाद से सानिया का नाम कई लोगों से जोड़ा जा चुका है, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी शामिल हैं। सानिया स्पोर्ट्स में एक जाना माना नाम है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने कई बार अंतर्राज्यीय मंच पर हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया है और अपनी उपलब्धियों से हम सभी को गौरवान्वित किया है। बता दें कि सानिया मिर्जा की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से हुई थी और उनका एक बेटा इसहान है। फिर शोएब ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ अपनी तीसरी शादी की तस्वीरें शेयर कर सभी को चौंका दिया था। बाद में सानिया के पिता ने खुलासा किया कि सानिया ने खुला के जरिए शोएब को तलाक दिया, जो महिलाओं को अपने पतियों को एक तरफा तलाक देने का एक इस्लामी अधिकार है। सानिया अब अपने बेटे के साथ वापस भारत शिफ्ट हो गई हैं।